वेलकम टू खिनोपिया एकेडमी। दोस्तों आज वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है। जो कंपटीशन के बच्चे हैं, जो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी किसी भी लेवल की तैयारी करते हैं, उनमें जो जीके पूछी जाती है, मैं जीके के क्वेश्चन आज आपको कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम में से पूछे गए हैं, उन्हीं में से लिए गए हैं और मेरे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कराता जाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में सिर्फ आज 18 क्वेश्चन है। आज 18 क्वेश्चन में से तुम सिर्फ ओनली 10 क्वेश्चन कर जाओ तो मैं आज समझ जाऊंगा कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। ओके फ्रेंड्स, चलो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी एडा लेवलेस, ऑप्शन सी टिम बर्नर्स, ऑप्शन डी स्टीव बेंजी एक। ओके, तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, एडा लेवलेस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी स्पेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, बी फ्रांस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैलीग्राफी, ऑप्शन बी ज्योग्राफी, ऑप्शन सी जियोलॉजी, ऑप्शन डी कार्टोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कार्टोग्राफी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेलगाड़ी के अध्ययन, रेलगाड़ी के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या है? इस टाइप के फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाती है कंपटीशन में, तो ये रेलवे में से ही है, NTPC में से, उसी में से ये पेपर में करा रहा हूँ। जो सन 2016 में आया था उसके जो जीके है उसी में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। आप इनको अच्छी तरीके से प्लीज़ ध्यानपूर्वक देखिए। ओके, RLW का पूरा नाम बताइए। ओके, ए रिग्रेट लॉस वेटिंग लिस्ट, बी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, सी रेलवे लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ऑप्शन डी रेलवे लिस्ट वेटिंग लॉक्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। ओके, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, और अगर वीडियो आपको खास ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़, मैसूर, श्रीनगर या दार्जिलिंग में? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्या है? श्रीनगर। ओके फ्रेंड्स, श्रीनगर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, सॉरी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकटक पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी सहयाद्री पहाड़ियाँ, ओके सी मैकाल पहाड़ियाँ, डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए अमरकटक पहाड़ियाँ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सन 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? अगर आपको क्वेश्चन पता हो तो कमेंट में प्लीज़ ए बी सी इस टाइप से आप लिखते जाना। ओके फ्रेंड्स, ऐसे 32 नंबर का ए है या फिर 12 नंबर का सी है, इस टाइप से। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल आज मैं आपको पूरे के पूरी जीके के क्वेश्चन कराऊंगा, सीरीज बाय सीरीज, जो कि मैं ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं लेके आऊँगा, मैं सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा, टफ क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि कंपटीशन एग्जाम में लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ये हमने नहीं पढ़ पाए। ओके फ्रेंड्स, मैं उसी टाइप के क्वेश्चन कराऊँगा आप लोगों को। तो सन 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन ए सियोल, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी टोक्यो। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, रियो डी
जनेरियो। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में समानता का पता लगाइए, टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा, ये सभी फल हैं। आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये सभी फल हैं, ये सभी लाल रंग के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, इनके अंदर बड़े बीज होते हैं। ऑप्शन डी, यहाँ भारत में सभी मौसमों में मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आप कमेंट में लिखते जाना, जो भी पता हो। वैसे मेरी तरफ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये सभी फल हैं। ओके फ्रेंड्स, सोनार का पूरा नाम क्या है? ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, फिर भी मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया है। सोनार का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रैगिंग। ऑप्शन बी, साउंड नेविगेटिंग एंड रिचिंग। ऑप्शन सी, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। ऑप्शन डी, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रिचिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा? सोनार का पूरा नाम ऑप्शन हमारा सी। ओके फ्रेंड्स, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है? इसरो द्वारा पहला मानव रहित, जिसमें मानव नहीं था, उपग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन आपका बी, आर्यभट्ट। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो पहले भारत की राजधानी क्या थी जिसको दिल्ली ले जाया गया था, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए, बम्बई, ऑप्शन बी, मद्रास, ऑप्शन सी, कलकत्ता, ऑप्शन डी, मैसूर। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? ओके फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे, मगर ये टफ हैं। जब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, सिट्टी बिट्टी गायब हो जाती है कंप्यूटर के सामने। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए। जब चारों क्वेश्चन एक समान दिखते हैं ना, पता नहीं पड़ता कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो ये आपका जो राइट आंसर है 78% नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, रतौंधी, ऑप्शन बी, गंडमाला, ऑप्शन सी, रूसी, ऑप्शन डी, सुखंडी। फ्रेंड्स, जो आपको राइट आंसर पता हो उसको कमेंट में ज़रूर लिखना, और नहीं पता हो तो मैं आपको बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें फ्रेंड्स वो है आपका गंडमाला। ओके फ्रेंड्स, गंडमाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? कंप्यूटर मेमोरी का सबसे जो बड़ा साइज है वो क्या है? ऑप्शन ए, पेटाबाइट, ऑप्शन बी, यूटाबाइट, ऑप्शन सी, टेराबाइट, ऑप्शन डी, गीगाबाइट। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा आपका क्या होगा इसमें? यूटाबाइट। ओके फ्रेंड्स, यूटाबाइट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिल्की वे क्या है? फ्रेंड्स, आपको बताना है मिल्की वे क्या है। नक्षत्र, ऑप्शन बी है ग्रहों की व्यवस्था, ऑप्शन सी है आकाशगंगा, ऑप्शन डी है चमकता सितारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या है? मिल्की वे आकाशगंगा है। ओके फ्रेंड्स, मिल्की वे जो है क्या है? आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? क्या होता है फ्रेंड्स, इंडिया में कुछ भागों में क्या है कि मिट्टी का रंग लाल है, वो किस कारण से है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है देखो, चलो देखते हैं। ऑप्शन ए, मैग्नीशियम की मौजूदगी, ऑप्शन बी, फास्फेट की मौजूदगी, ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी, ऑप्शन डी, खाद मिट्टी की मौजूदगी। आपका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा इसमें सी है, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर इसी टाइप की आपको वीडियो चाहिए जीके की, नए नए क्वेश्चन के जो टफ लगें काफ़ी, तो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड, जो NTPC में हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं उन्हें कराऊंगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, आपको क्या है बताना है कमेंट में कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, इसमें चार क्वेश्चन दिए रखें, 4 फरवरी, 5 मार्च, 12 मई, 23 अगस्त। ओके फ्रेंड्स, तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है ये आज आपको कमेंट में बताना है। जिन लोगों को पता होगी वो ज़रूर बताएंगे, उनको नहीं पता होगी तो वो देख के बताएंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके फ्रेंड, इस वाले क्वेश्चन का आंसर में नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा आप पे भी लोड होना चाहिए, हमें भी कुछ ये नहीं कि हम बताएं उन्हीं को सीखें, खुद अपने द्वारा भी सीखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे, तो वो किससे बने थे, लकड़ी के थे। सबसे पहले जो पहिए बने थे वो किससे बने थे, लकड़ी के। फिर बने थे तुम्हारे लोहे के, फिर प्लास्टिक, ऐसे बनते गए, सबसे पहले बने थे, अभी तो लोहे के चल रहे हैं। सबसे पहले जो पहिए बने थे वो लकड़ी के बने थे। ओके फ्रेंड्स, तो सिर्फ यही क्वेश्चन थे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और मेरी चैनल को शेयर करिएगा। ओके, अपने फ्रेंड्सों के साथ, ग्रुपों में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, कीप वॉचिंग।